हेलो बच्चों, वेलकम टू टिक करो इंडिया क्लासेस। माय नेम इज सीए दीपक जिंदल और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने आप को इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर्ड करेंगे। देखिए बच्चों, अभी तक आप प्रीवियस क्लासेस में अपने पांचों हेडों के बारे में अच्छी तरह जान चुके हो। सैलरी कैसे कंप्यूट करते हैं, सैलरी में टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अदर सोर्स की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और पीजीबीपी की इनकम भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन आप प्रीवियस क्लासों में कर चुके हो। अब टाइम आ गया है अपने आप को रजिस्टर करने का, कहाँ पे? इनकम टैक्स की साइट पे, ताकि आप अपनी आईटीआर अच्छी तरीके से फाइल कर सको, अपनी या अपने क्लाइंट की, या आप जहां पे भी जॉब करने वाले हो वहां की आप प्रॉपर तरीके से आईटीआर फाइल कर सको। देखिए बच्चों, यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ तीन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नंबर वन, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। नंबर टू, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। नंबर थ्री, आपके पास अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से ये सारे प्रोसेस को, ताकि हम अपने आप को रजिस्टर कर सके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आईटीआर फाइलिंग कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, आते हैं incometax.gov.in, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आपको सबसे पहले incometax.gov.in वाली साइट पे आना है। ठीक है, वहां पे आपको ये देखिए दो चीजें दिख रही होंगी, या आपको लॉगिन दिख रहा होगा या रजिस्टर दिख रहा होगा। देखो, लॉगिन कब करना है? जब आप पहले रजिस्टर हो चुको। तो हम सबसे पहले रजिस्टर्ड होते हैं, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे अपने आपको। तो रजिस्टर के लिए आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, मेरे साथ साथ करना, ताकि आप भी अपनी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे डाल सको, प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पे टैक्स पेयर पे क्लिक रहने देंगे, अपने पैन कार्ड को यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। ठीक है, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आप यहाँ करोगे वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब वो अपने डाटाबेस में ढूंढेगा कि ये वाला जो हमने इशूड किया है वो उससे मैच करता है या नहीं करता। आपका मैच करता होगा, आपने सही टाइप किया होगा, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, जैसे कि मैंने टाइप किया और लिखा आ चुका है। इसके बाद आएगा प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर। यस, मैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यस करेंगे और आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, आपको क्या डालनी है? अपनी इंफॉर्मेशन। लास्ट नेम मैंडेटरी है, ठीक है, मिडल नेम और फर्स्ट नेम। देखिए, आपके पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है आपको वही डालना है, अदरवाइज ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, जो हमारे पैन कार्ड पे लिखा है, आपके पैन कार्ड पे अगर तीन नाम लिखे हैं तो आपको तीन लिखने। तीन नाम का मतलब सरनेम भी लिखा हुआ है, मिडल नेम भी लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम भी लिखा हुआ है। तो आपको तीनों के तीनों डालने हैं। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम में मिडल नेम डालना है और लास्ट नेम में लास्ट नेम डालना है। अब मान लीजिए एक ही नाम लिखा हुआ है, जैसे कि रमन लिखा हुआ है सिर्फ, तो आपको वो लास्ट नेम में डालना है, क्योंकि पैन कार्ड के अंदर अगर आपने सिर्फ एक ही नाम डाला हुआ है तो वो लास्ट नेम में ही मेंशन होगा। ठीक है, अब आप ये चीज समझ गए, उसको फर्स्ट नेम में मत डाल देना। कभी आपके किसी पैन कार्ड में लिखा हो रमन और आगे कुछ ना लिखा हो और आप उसको रजिस्टर कर रहे हो और बार बार फर्स्ट नेम में डाल डाल के आप उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तो नहीं होगा। आपको क्या करना है, अगर एक ही लिखा हुआ है तो उसको लास्ट नेम में डाल के कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो जैसे कि अब हम जो हमारे पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है उसको लिख के मैं कंटिन्यू करता हूं। लास्ट नेम लिख दिया है मैंने एंड, ठीक है, मिडिल नेम मेरे पैन कार्ड में नहीं है तो मैं आगे नहीं डालूंगा उसमें। ठीक है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ जेंडर आप सिलेक्ट करोगे, रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर आपका बंदा रेजिडेंट है तो आप रेजिडेंट डालोगे, नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट डालोगे। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डालना है प्राइमरी मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर डालोगे, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आप रजिस्टर करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम अपना नंबर डाल लेते हैं।
अब ये देखिए, ये कह रहा है कि प्राइमरी नंबर किसी से बिलोंग तो करता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपके सिस्टर का है, ब्रदर का है, आपके फ्रेंड का है, आपका खुद का है, आपके बेटे का है, आपका रिलेटिव का है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट है उनका खुद का है, तो हम यहाँ पे सेल्फ डाल देंगे, उनकी ईमेल आईडी डालेंगे। सेम ये भी चीज पूछ रहा है, ये भी ईमेल आईडी किससे बिलोंग करती है, तो ब्रदर से, फ्रेंड से, सेल्फ है, सन है, रिलेटिव है, तो सेल्फ है, तो हम सेल्फ डाल देंगे, मतलब उनसे खुद से रिलेट करती है। लैंडलाइन नंबर है तो आप डाल दोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे हम डालेंगे फ्लैट नंबर, डोर, फ्लैट, डोर, बिल्डिंग नंबर, जो भी आपके पास है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालोगे। तो एक एक करके इंफॉर्मेशन डालते हैं। स्ट्रीट डाल देते हैं, स्ट्रीट, रोड, ब्लॉक, सेक्टर, आपका जो भी है वो आप डाल सकते हो। तो जैसे हमारे क्लाइंट का सेक्टर 49 है, तो हम डाल देते हैं 49। अब आप यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाकी ये पोस्ट ऑफिस, एरिया, टाउनशिप, स्टेट ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे ले लेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जो भी ओटीपी आपको मिलेगा वो आपको डालना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आया होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम भी फिल कर लेते हैं जल्दी से। ये मैंने अपने मोबाइल पे जो ओटीपी आया था हमारे क्लाइंट के पे वो डाल दिया है, अभी ईमेल का डालेंगे। ईमेल का ओटीपी डाल रहे हैं हम। ये हमने अपना ओटीपी डाल दिया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार इंफॉर्मेशन को हम देख लेंगे, इन्होंने कहा है ना प्लीज रिव्यू, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको एडिट करना है तो आप अभी एडिट कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करके। ठीक है, अगर मैं एडिट करूंगा दोबारा ओटीपी आएगा। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेगा आप कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। तो आपको एक बार देख लेना है कि सारी इंफॉर्मेशन सही है जो मैंने दी है। यस, आपके जो भी प्राइमरी नंबर है, ईमेल आईडी है, आपका हाउस नंबर है, आप कुछ भी चीज चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप करोगे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आपको बनाना है अपना एक पासवर्ड। क्या बनाना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड में देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि 8 से 14 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, साथ में न्यूमेरिक नंबर होने चाहिए और स्पेशल अल्फाबेट्स होने चाहिए, मतलब इन सब का मिक्स होना चाहिए। तो हम एक मिक्स का एक बना देते हैं अपना पासवर्ड, ताकि वो कोई जल्दी से ब्रेक ना कर पाए। इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, जब आपका दोनों मैच कर जाएगा पासवर्ड, जो आपने ऊपर डाला होगा नीचे डाला होगा, तो ये कह देगा कि आपका पासवर्ड कंफर्म है, मैच हो चुका है। अब यहाँ पे आप कोई भी अपना पर्सनल मैसेज डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिस्प्ले होगा वहां पे, हाय। ठीक है, ये वहां पे डिस्प्ले होता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये आप ना, अगर मान लीजिए कोई पासवर्ड भूल जाते हो, तो आप उस तरीके का भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मेरे पासवर्ड से मैच करता हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पासवर्ड बनाया है अपने नेम से रिलेटेड, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि जैसे कि माय पेट नेम इज, तो याद आ जाएगा कि मैंने कोई ना पेट नेम से रिलेटेड पासवर्ड बनाया है, अगर आप भूल जाते हो तो। बाकी आप यहाँ पे हाय सर या फिर कुछ भी समथिंग लिख सकते हो, जो बाद में डिस्प्ले होगा, मैं आगे आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। ये करने के बाद आपको रजिस्टर करना है सीधा, और आप रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुके हो यहाँ पे, ये यह आपका आ चुका है, थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड। ठीक है, योर ट्रांजेक्शन आई डी दिस। अब आप अच्छे, आप रजिस्टर्ड हो चुके हो अपना ई फाइलिंग पोर्टल पर। अब आपको एक बार चेक करना है कि हम रजिस्टर्ड हुए हैं, तो अब एक बार एंट्री करके देखते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमें ई फाइलिंग करनी है, तो एक बार एंटर करके देख लेते हैं इसको। आप कॉपी करूंगा मैं, प्रोसीड टू लॉग इन करूंगा। यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना डिस्प्ले नेम आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है हाय सर के नाम से दिख रहा है। यहाँ पे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते थे, ताकि कभी आप पासवर्ड भूलो तो आपको याद आ जाए कि ऊपर से कोई रिलेटेड पासवर्ड है। बिल्कुल एग्जैक्टली मत लिख देना, नहीं तो सामने वाला कॉपी कर लेगा इमीडिएट।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्लिक करना है। और कंटिन्यू कर देना है। ये देखिए आप आ चुके हो इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके बाद आपको यहीं से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। मैं जैसे जैसे आपको आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, यहीं से आपको आईटीआर फॉर्म भरने हैं, यहीं से हम अपनी फाइलिंग स्टार्ट करेंगे, यहीं पे कोई टैक्स पे करना है, रिफंड आना है, सारी इंफॉर्मेशन आज के बाद आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी आईटीआर फॉर्म्स की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। एक और चीज को मैं आपको बता दूं एंड में कि अगर इसको बंद करना हो, लॉग आउट करना हो तो कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे जाना है, ये यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है और आपका पोर्टल लॉग आउट हो गया। ठीक है, आप वहां से लॉग आउट हो चुके हो। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय।